रोज़ एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोनिका और राहुल के पापा एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। मोनिका और राहुल बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते हुए बड़े हुए थे। वक्त गुजरता गया और मोनिका अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश चली जाती है। कुछ सालों बाद मोनिका अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने देश वापस आती है। राहुल को ये बात जब पता चलती है तो वो मोनिका से मिलने के लिए एयरपोर्ट आता है। लेकिन जब राहुल एयरपोर्ट आता है तो वो देखता है कि मोनिका के पिता पहले से ही वहाँ मौजूद हैं। इसलिए वो दूर से ही मोनिका को देख लेता है। एक दिन मोनिका बस स्टैंड पर खड़ी थी, तभी वहाँ से राहुल गुजरता है और उसे देख कर कहता है, तुम यहाँ किसका इंतजार कर रही हो? चलो मैं तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं राहुल, तुम्हारे बचपन का दोस्त। हम दोनों साथ में खेला करते थे, कुछ याद आया तुम्हें? अरे हाँ, तुम मेरे पापा के दोस्त के बेटे हो ना। तुम तो काफी हैंडसम हो गए हो और पर्सनैलिटी भी काफी अच्छी है तुम्हारी। थैंक यू। वैसे तुम यहाँ कर क्या रही हो? मैं बस का वेट कर रही हूँ, काफी देर से कोई भी बस नहीं आई है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मुझे आगे तक छोड़ दोगे? अरे इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, तुम्हें कभी भी कोई भी काम हो तो मुझे बोल देना। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है ये तो बताओ पहले मुझे। मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, मेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई है तो बस अब जॉब करना है। वैसे तुम क्या कर रहे हो? मेरी तो एक छोटी सी कंपनी है जिसमें यूं ही कुछ 70 के आसपास एम्प्लॉय होंगे जो मेरे अंडर काम करते हैं। चलो ये तो बहुत अच्छा है। और बताओ, कोई गर्लफ्रेंड बनी अभी तक या सिंगल हो? गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। अभी तक प्रपोज नहीं किया है, लेकिन सोच रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके उसे बोल दूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। अरे तो इतना लेट क्यों लगा रहे हो? जब उसको कोई और पटा लेगा तब बोलोगे क्या? लेट इसलिए क्योंकि वो मुझसे बहुत दूर रहती थी, लेकिन अब वो मेरे पास आ गई है। एक अच्छा दिन देखकर उसको प्रपोज कर दूंगा। राहुल और मोनिका बहुत सारी बातें करते हैं और कुछ ही देर बाद मोनिका का इंटरव्यू का लोकेशन आ जाता है। राहुल उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और राहुल और मोनिका एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं। अब जब भी मोनिका को कहीं भी जाना होता तो राहुल को वो कॉल करके बुला लिया करती और राहुल उसके लिए काम छोड़कर आ जाता। ऐसे ही एक दिन मोनिका राहुल को कॉल करके बुलाती है। राहुल अपने साथ फूल का बुके लेकर आता है, जिसे देखकर मोनिका कहती है, ये क्या राहुल, लगता है आज तो तुम उस लड़की को प्रपोज करने जा रहे हो। हाँ आज मैं उसको प्रपोज कर दूंगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है, कहीं अगर उसने मना कर दिया तो मेरा तो दिल ही टूट जाएगा। अरे तुम इतने हैंडसम हो, कोई भी लड़की तुमको मना ही नहीं कर सकती। अगर मैं उस लड़की की जगह होती और तुम मुझे प्रपोज करते तो मैं तो हाँ ही कर देती। वो लड़की बहुत खुश नसीब होगी जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी। तुम इसको अपने पास रख लो। क्या मतलब? मतलब कि आई लव यू मोनिका, तुम ही वो खुश नसीब लड़की हो जिसको मैं बचपन से प्यार करता आया हूँ। जब तुम पढ़ाई करने के लिए चली गई थी तब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि कब तुम वापस आओगी और कब मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करूँगा। लेकिन पर मैं वो। क्या हुआ, मैं तुमको पसंद नहीं हूँ क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे कुछ दिन सोचने के लिए चाहिए। राहुल मोनिका को कुछ दिन सोचने के लिए दे देता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मोनिका राहुल को हाँ कर देती है। राहुल और मोनिका दोनों एक हैप्पी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीतते हैं और मोनिका राहुल से बहुत डिमांड करती है। एक दिन राहुल, मोनिका और राहुल का दोस्त तीनों ही एक मार्केट में घूम रहे थे, तभी मोनिका की नज़र एक सुंदर सी ड्रेस पर जाती है और मोनिका उसे लेने की जिद करती है, जिसे देखकर रोहित कहता है, भाई एक बात बोलो, तेरी गर्लफ्रेंड ना तो उससे कुछ ज्यादा डिमांड नहीं करती है? नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी जो मेरा है वो उसका भी तो है ना, अगर वो कुछ मांग भी रही है तो उसमें दिक्कत क्या है, ये तो मेरा फर्ज है। और वैसे भी मैं उसको खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसकी सारी डिमांड्स पूरी करता हूँ। फिर भी ना थोड़ा देख कर, मुझे तो इस लड़की पे ना कभी कभी ना बहुत शक होता है, कहीं तेरे साथ कोई धोखा ना कर दे, तू ना फिर बाद में पछताएगा रोएगा, और मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता भाई। नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तू चिंता मत कर। राहुल रोहित की बात नहीं मानता और उसकी बातों को हमेशा अनसुना करता है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और मोनिका को अपने ही ऑफिस में अपने मैनेजर पंकज से प्यार हो जाता है, लेकिन ये बात वो राहुल को नहीं बताती। ऐसे ही एक दिन मोनिका राहुल के पास जाती है
राहुल और मोनिका दोनों एक दूसरे से गले मिलने लगते हैं। राहुल, मुझे कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से दिल्ली जाना है। मैं कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगी और वहां जाकर तुमको सब बता दूंगी। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। अगले दिन राहुल मोनिका को एयरपोर्ट छोड़ने आता है। मोनिका को अपने से दूर जाता हुआ देखकर राहुल दुखी हो जाता है। कुछ घंटों बाद दिल्ली पहुंचकर मोनिका उसे कॉल करके सब बताती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और राहुल को भी अपने ऑफिस के किसी काम से दिल्ली जाना पड़ता है। वो बहुत खुश होता है और खुद से कहता है, फाइनली इतने दिनों के बाद मैं मोनिका से मिल पाऊंगा। क्या मैं उसको कॉल करके बता दूं कि मैं आ रहा हूं? नहीं, मैं उसको वहां जाकर सरप्राइज दूंगा। मुझे देखकर तो वो बिल्कुल चौंक ही जाएगी और बहुत खुश हो जाएगी। राहुल बहुत खुश होता है। रात भर उसे नींद नहीं आती। अगले दिन राहुल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। वो अपनी फ्लाइट में बैठकर बस मोनिका के बारे में ही सोचता रहता है। कुछ देर बाद वो दिल्ली जब पहुंचता है और मोनिका जिस होटल में रुकी थी वो उसी होटल में जाता है और मोनिका के कमरे की बेल बजाता है। राहुल हाथ में फूल का बुके लेकर खड़ा था। थोड़ी देर बाद मोनिका गेट खोलती है और राहुल को देखकर उसकी आँख खुली की खुली रह जाती है। राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सरप्राइज, मैं दिल्ली किसी काम से आया था तो सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दे दूं। अरे सारी बातें यहीं करोगी क्या? चलो अंदर चलकर बैठकर बातें करते हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब ये है कि मेरा पूरा रूम फैला पड़ा है, तुम कुछ देर बाद आना, ठीक है? राहुल और मोनिका दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अंदर से मोनिका का मैनेजर पंकज टॉवल में आता है। अरे क्या हुआ मोनिका डार्लिंग, कौन आया है जी? मोनिका, ये कौन है और ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है, वो भी टॉवल में? मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, और तू कौन है बे? राहुल देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें जैसा लग रहा है। तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। अब देखने और सुनने के लिए रही क्या गया है मोनिका? मैं तो बस तुमसे ही प्यार करता था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। शायद मेरे प्यार में ही कोई कमी रह गई होगी, तभी तो तुम मुझे धोखा दे रही थी। मैं बस ये सोचता हूँ कि जिसके साथ भी तुम हो, तुम उसको भी धोखा मत दे देना, उसे खुश रखना। आज मुझे एहसास हो रहा है मैंने प्यार क्यों किया। राहुल इतना बोलकर वहाँ से रोते हुए चला जाता है। घर पहुंचकर वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और किसी से बात नहीं करता। राहुल की माँ कांता ये सब देखकर बहुत दुखी थी। तभी एक दिन वो रोहित को फोन करती है। रोहित बेटा, मैं राहुल की माँ बोल रही हूँ। जी आंटी जी, बोलिए क्या हुआ? तुम्हारी राहुल से कोई लड़ाई हो गई है क्या? जब से वो दिल्ली से वापस आया है बिल्कुल चुपचाप रहता है, न खाना खाता है, बस अपने आप को कमरे में बंद करके रखा है, किसी से बात तक नहीं करता वो। कोई बात नहीं, आप ना टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं आता हूँ, मैं आके ना उससे ना बात करूँगा। रोहित इतना बोलकर कॉल कट कर देता है और कुछ देर बाद राहुल के घर जाता है। राहुल उससे सारी बात बताता है। यार मैंने उससे बहुत प्यार किया और उसने मुझे धोखा दिया। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने प्यार क्यों किया। मैं तो पहले ही कह रहा था ये ना लड़की सही नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, तू ना खुद को ना तकलीफ मत दे, मैं हूँ ना, मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन मत ले, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। और ना उसको ना छोड़ दे, वो जो करिए करने दे, खुश है ना, रहने दे उसे, चल ना तू मेरे साथ, चल ना घूम के आते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।